जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एवेंटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। अमरावती महाराष्ट्र के 48 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र विदर्भ का हिस्सा है तथा अपनी शिक्षा सुविधाओं और सांस्कृतिक विरासत के कारण इसे विदर्भ की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अमरावती लोकसभा मतदार संघ यह अनुसूचित समुदाय के लिए आरक्षित सीट है। इसकी यह खास बात है कि जितनी बार भी यहाँ से प्रमुख दलों की महिला प्रत्याशी उतरी है, उन्हें हमेशा यहाँ से जीत हासिल हुई है। मालूम हो कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति रह चुकी प्रतिभा ताई पाटिल इस सीट से केवल एक ही बार 1991 में चुनाव लड़ी थी। वो जीतकर संसद पहुंची। ऐसी ही पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की महिला प्रत्याशी माननीय इंजीनियर नीलिमा नितिन भटकर अमरावती महाराष्ट्र के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। इनसे सदन से संसद तक इस विशेष कार्यक्रम में एमएनटी के संवाददाता से हुई यह खास मुलाकात, आइए देखते हैं। जय भीम जय मूल निवासी, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ महाराष्ट्र के अमरावती में। अमरावती लोकसभा मतदार संघ ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। इस सीट से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से इंजीनियर नीलिमा भटकर चुनाव लड़ रही है। जानते हैं उनसे कि वो क्यों चुनाव लड़ रही है और क्या वजह है और क्या मुद्दे हैं। नीलिमा जी, आपका स्वागत है। जैसे कि अभी चुनाव का माहौल है, आप अमरावती से चुनाव लड़ रही हैं, आप कौन से पार्टी से और क्या चिन्ह लेकर आप चुनाव लड़ रही हैं? सभी को जय भीम जय मूल निवासी, मैं इंजीनियर नीलिमा नितिन भटकर, मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक इस पार्टी से मैं चुनाव लड़ रही हूँ और हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो ब्लैक बोर्ड है। आप क्यों ये चुनाव में आई हैं? राष्ट्रपिता फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने जो सपना देखा था वो सपना हमारी इतर बहुजन जो पार्टियां हैं वो अभी तक हमने उनको 40 साल दिए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने वो सपना पूरा नहीं किया, तो अब ये जिम्मेदारी हम दूसरों के ऊपर नहीं सौंप सकते हैं, इसलिए हम यहाँ ये पार्टी चुनाव हम लड़ रहे हैं। तो ये अमरावती लोकसभा जो चुनाव सीट है वहीं से चुनाव लड़ने का आपने क्यों फैसला किया? ये अमरावती जो क्षेत्र है ये मेरी कर्मभूमि है। पिछले 18 साल से मैं यहाँ सामाजिक प्रबोधन का काम कर रही हूँ। हर जगह हमने जगह जगह प्रबोधनात्मक का वर्क किया है और साथ ही मैं सुजोग थेरेपिस्ट भी हूँ, तो इसके कैंप भी मैंने पूरे शहर में, अमरावती शहर और आजू बाजू के जो छोटे तबके हैं, खेड़े हैं, वहाँ भी मैंने लगाए हैं। तो मेरी जानकारी, मैं परिचित हूँ लोगों से, अच्छी तरह से परिचित हूँ और मैं लोगों चुनाव लड़ने के बाद या जीतने के बाद मैं लोगों को बहुत अच्छी उनके लिए अच्छा वर्क कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये अमरावती क्षेत्र चुना। आपके जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, इस पार्टी के बारे में थोड़ा बताइए। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, ये पार्टी दिसंबर 2017 में स्थापित हुई। उसके बाद पिछले साल हमने 2018 में 4 विधानसभा जो इलेक्शंस थे वो भी लड़े और अभी पूरे भारत में और भारत के 11 राज्यों से हम 70 के ऊपर सीट लड़ रहे हैं। अच्छा, आपके जो पार्टी अभी चुनाव में है तो क्या आपका कोई चुनावी घोषणा पत्र है? हाँ बिल्कुल है, और हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हमने सभी तबके के लोगों को यहाँ लिया है, जैसे युवक है, यहाँ के किसान जो है वो है, महिलाएं हैं, आदिवासी क्षेत्र है, और सभी लोगों को हमें जो विकासात्मक कुछ काम करना चाहिए वो हमने दिया है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं, जैसे आपने युवक बताया, युवकों के लिए कौन से मुद्दे हैं? सबसे पहला प्रश्न है, अब युवकों में तो बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ी है, इतनी बड़ी है कि युवकों को हाथों के लिए काम नहीं है और युवक इधर उधर घूम रहा है, तो उनको रोजगारी कैसे मिले, उनको नौकरी कैसे मिले, इसका हम प्रावधान कर रहे हैं। तो अभी जो आउटसोर्सिंग चल रहा है वो आउटसोर्सिंग बंद करके उन्हें परमानेंट अगर सर्विस हम दे सकते हैं तो उसके बारे में हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, वो एक बात। दूसरी बात, जो SC ST OBC लोगों को
जो शिष्यवृत्ति मिल रही है, वैसे तो ओबीसी लोगों को बहुत कम मिल रही है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी बच्चों को जो शिष्यवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, तो अभी की जो महंगाई का जो दर है वो हिसाब से शिष्यवृत्ति उन्हें देने का योजना हम बना रहे हैं, वो है। और जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, वो प्राइवेटाइजेशन में प्रतिनिधित्व जो हम आरक्षण रिजर्वेशन बोलते हैं, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, वो भी रिप्रेजेंटेशन हम देने वाले हैं। साथ ही में जो आगे की जो संस्थाएं हैं वो प्राइवेटाइज न करते हुए उसको हम पब्लिक ही करेंगे, ताकि ये प्रतिनिधित्व का नियम जो है वो वहाँ हम लागू कर सकें। अच्छा, आपका जो अमरावती चुनाव क्षेत्र है ये ज़्यादातर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ग्रामीण हिस्सा बहुत बड़ा इसमें है, उस क्षेत्र को लेकर आपके क्या योजना है? अमरावती में ये जो चिखलदरा देन हरिसाल धारनी, ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो आदिवासी लोगों का है। कुछ आदिवासी लोग यहाँ भी आके बसे हैं, लेकिन वहाँ के जो 90% आदिवासी जो वहाँ है, तो सरकार के कुछ गलत धोरणों की वजह से वहाँ के लोग विस्थापित भी हुए हैं, वहाँ से उनको निकाला गया है। वैसे देखा जाए तो संविधान में ये बताया गया है कि अनुसूची 5 में से बताया गया है कि आदिवासी लोगों को उनके ज़मीन से हम निकाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट वर्क का ये नारा, गवर्नमेंट वर्क सामने नहीं ऐसे नहीं उसको कहेंगे कि गवर्नमेंट का वर्क है, इसलिए उनको विस्थापित किया जा रहा है और उनका हम अच्छी तरह से पुनर्वसन करेंगे, ये लालसा देखे गवर्नमेंट ने वो लोगों को वहाँ से हटाया। लेकिन वहाँ से हटाने के बाद भी उनका पुनर्वसन सही ढंग से नहीं हुआ है, उन्हें कुछ भी सुख सुविधा वहाँ दी नहीं गई है, बेसिक जो नीड्स है वो भी उन्हें दिए गए नहीं हैं। तो उनके लिए हम सबसे पहले तो वहाँ के लोग जो आदिवासी है वो वही रहे, अनुसूची 5 में जो जो उनके बारे में दिया है वो अनुसूची 5 पूरी की पूरी उन पे उनके ऊपर कैसे लागू की जा सकती है ये वहाँ देखा जाएगा। उनके हाथों को भी काम नहीं है, तो उन्हें नौकरियाँ और रोज़गार दोनों में भी कैसे उन्हें सम्मिलित किया जाएगा, इसका हम प्रावधान करने वाले हैं। जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें उनकी जो नीड्स है, बेसिक नीड्स है, वो वहाँ हम प्रोवाइड करेंगे। मैडम, आपने महिलाओं की बात की, तो महिलाओं के लिए आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र में क्या मुद्दे रखे हैं? महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, 50% हिस्सेदारी जो महिलाओं को है वो सभी सामाजिक क्षेत्रों में हम उन्हें देंगे। वैसे ही जो अभी आमदार और खासदार उनमें उन्हें 33% हिस्सेदारी नहीं दी गई है, वो भी हिस्सेदारी हम लाने की कोशिश करने वाले हैं। वो 33 ना होते हुए 50% कैसे होगी, इसका हम प्रावधान करेंगे। और साथ ही में उसमें भी महिलाओं में एससी एसटी ओबीसी इन लोगों को रिजर्वेशन रहे, प्रतिनिधित्व रहेगा, ये एक बात। दूसरी उनकी जो सुरक्षा है, उनका स्वास्थ्य है, उनका उनकी पढ़ाई लिखाई का जो प्रावधान है उसके लिए अच्छे से धोरण बना के उसका अमल भी बहुत कठोरता से किया जाएगा। मैडम, ये जो अमरावती क्षेत्र है ये किसानों का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा, लोग ज़्यादा मात्रा में लोग किसान खेती करते हैं, तो किसान और खेती को लेकर आपकी पार्टी के कौन से मुद्दे हैं? बजट में हम खेती के लिए अच्छा सा प्रावधान करने वाले हैं। दूसरा, खेती को उद्योग का दर्जा देंगे, ताकि हर जो किसान जो है वो वहाँ एज ए एम्प्लॉय करके वो वहाँ रहेंगे। जमीन का जो विखंडीकरण हुआ है वो विखंडीकरण हम रोकने वाले हैं, ताकि उसमें से जो उपज निकलेगी वो आगे अच्छी तरह से निकले। उसके बाद भूमि सीलिंग कायदा जो है उसको हम लैंड सीलिंग एक्ट बोलते हैं, वो लैंड सीलिंग एक्ट की हम समीक्षा करेंगे और उसमें चेंजेस करके जो सही होगा वो हम लागू करने वाले हैं। और वहाँ कृषि क्षेत्र आधारित जो कुछ भी रोज़गार है वो रोज़गार हम लाने की पूरी तरह से कोशिश करने वाले हैं। मैडम, आपने महिलाओं को लेकर क्या सोच रहे हैं? यहाँ महिला जो असुरक्षित है, तो महिलाओं का सबलीकरण कैसे होगा ये हम देखेंगे। वैसे तो देखा जाए तो महिला नैसर्गिक रूप से ही सबल होती है, अगर हम वहाँ उसको सुरक्षित वातावरण देते हैं
उसमें उसका सबलीकरण अगर हम उसे सुरक्षित वातावरण देते हैं तो वो बहुत अच्छा कार्य यहाँ कर सकती है। तो सबसे पहले हम उसके ऊपर ध्यान देंगे कि उसको हम यहाँ हम सुरक्षित वातावरण दें, उसकी शिक्षा का अच्छी तरह से प्रावधान हो। जो ड्रॉप ऑफ रेट है शिक्षा का महिला लेडीज़ का या विद्यार्थी महिलाओं का, वो ड्रॉप आउट रेट वो कैसे कम किया जाए और उनको हायर स्टडीज़ में वो कैसे आगे बढ़े इसके लिए देखा जाएगा। तीसरी बात, उनको आने जाने की जो सुविधा है वो सुविधा के बारे में भी हमने अच्छे से प्रावधान किया है इसमें। बाद में उसके रोज़गार, उसे हमें रोज़गार देना है ताकि वो अगर आर्थिक रूप से अगर वो सबल होती है तो कुछ निर्णायक स्थिति में वो आ सकती है और वो खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं ऐसा हम समझते हैं। तो हम उन्हें रोज़गार देंगे, वो राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे आ जाए। यहाँ तक अभी तो पंचायत राज व्यवस्था तक 33% उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन आगे आमदार और खासदार इसमें भी उन्हें आरक्षण मिले और सिर्फ महिलाओं को आरक्षण ना मिले तो उसमें वो महिलाओं में SC ST OBC ऐसा प्रतिनिधित्व तो उन्हें मिले, इसके लिए पार्टी कार्य करेगी। मैडम, ये जो अमरावती में अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अमरावती के मतदाताओं को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी अमरावती वासियों को नम्र निवेदन करती हूँ कि वो सही उम्मीदवार का चुनाव करें। जो पार्टी, जो उम्मीदवार सच में उनके हितों के लिए अगर कार्य कर रहे हैं और कार्य करना चाहते हैं तो आप उन्हें एक बार उन्हें मौका दें। आपने इसके पहले 70 साल तक दूसरे लोगों को मौका दिया है और आप देख रहे हैं उन्होंने आपके लिए क्या कार्य किया है। अगर आपको लगता है कि हमारी पार्टी और मैं सच में ये कार्य करेंगे और मैं आपको विश्वास देती हूँ कि हम उसी के लिए खड़े हैं कि हमें हमारे समाज के लिए, हमारे ये अमरावती क्षेत्र के लिए और देश के लिए कुछ करना है तो आप हमें चुन के दें, मैं ऐसे आप सबको नम्र विनती करती हूँ। आपका जो चुनाव चिन्ह है और आपके EVM मशीन पर कितने क्रमांक पर आपका है उसके बारे में आप बताएं। हमारा चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड, जिसे मराठी में फड़ा कहते हैं, और EVM मशीन में मेरा 7वां क्रमांक है। तो मैं सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप 7 नंबर की बटन दबाएं और मुझे भारी मतों से चुन के लाएं। जय भीम, जय मूल निवासी।